एक चीज़ और कई बार सवाल पैदा होता है कि शिव को जो आम लोग हैं, देवता हैं, अप्सराएं, सब प्रसन्न कर लेते हैं, और जो राक्षस हैं वे भी प्रसन्न कर लेते हैं। बाबा तो भोलेनाथ हैं, सरल हैं, सहज हैं, और सबसे मुख्य है कि उनकी सरलता ही तो है, जो कि चाहे वो गंधर्व हों, चाहे असुर हों, राक्षस हों, देव हों, मनुष्य हों, चाहे एक साधारण सा भील, जो कि शिवरात्रि के समय पर अपन स्मरण करते हैं कि वृक्ष पर चढ़ गया बेलपत्री के और मृग को मारने के लिए, और साथ में वो थोड़ा जल साथ में लेकर गया है, वृक्ष हिल रहा है, पत्ती नीचे गिर रही है और पानी भी उस पर गिर रहा है, तो नीचे शिवलिंग था छोटा सा, और उस भील को नहीं मालूम है कि यहाँ शिवलिंग है, परंतु उसकी आराधना रात भर हुई और शिव कृपा कर दिए और उसका कल्याण कर दिए, तो ये तो मेरा भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, एकदम सहज सरल है, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला है, चाहे कोई किसी भी भाव से भज ले मेरे शंकर को। कड़प असुर, कड़प राक्षस, कड़प डाकू, जो कि पाँव में जूते पहनकर शिवालय में जाता है, मुख में पानी भरकर शिवालय में जाता है, मांस हाथ में लेकर शिवालय में जाता है, तो भी तो मेरा शिव कृपा करता है। उसके भजन में वो बल बढ़ गया था, वो केवल दिखावा करना नहीं जानता था, उसके भजन में बल बढ़ गया था, तो शिव उसके सामने आ गए।